इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों पे ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड पे ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कभी कभी आपको अपने आप पर भी करना पड़ता है। जैसे कि लैक्स पे इन्वेस्टमेंट करना है तो ये जो आज का रनिंग शूज है आपके लिए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कम्फर्ट देगा, इंजरीज से पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखने में ये जो रनिंग शूज है काफी कारगर साबित हो सकता है। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे सीरियस रनर हैं, जो लोग यहाँ पे अपने फीट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि अगर आपके लिए बजट यहाँ पे कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, आगे चल के जो आपके लेग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, आपको ऐसे कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि जब भी हम रनिंग करते हैं, ज़्यादा देर तक रनिंग करते हैं, तो उससे चांसेस ये होते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से हमें नी इंजरीज होना शुरू हो जाती है। आप इन फ्यूचर यहाँ पे नी इंजरीज से बचना चाहते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लेग्स हमेशा सेफ रहें, आपके लेग्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, आपको ऐसे रनिंग शूज पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपके फीट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखे, काफ़ी अच्छी कुशनिंग दे और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट दे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एसिक्स के GT 2000 रनिंग शूज़ की। और कुछ भाई ऐसे हैं जो ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि हम इस रनिंग शूज़ को नहीं परचेस कर पाएंगे, तो आप इस रनिंग शूज़ के फीचर्स देख लीजिए, आप इस रनिंग शूज़ के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब आपके पास पैसे हो जाएँ, जब आप अच्छा खासा कमाने लगे, तब आप अपने फीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग शूज आपका एक इन्वेस्टमेंट है आपके लेग्स पे। साथ ही साथ मैं इस रनिंग शूज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना। फॉर हेल्दी अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की इंट्रो में कहा कि ये जो रनिंग शूज है एसिक्स का GT 2011 सीरीज, ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। अगर हम इस रनिंग शूज के यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अपर में आपको इंजीनियर्ड अपर मैच देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे चेंज किया गया है, क्योंकि जो एसिक्स GT 2000 था जिसकी 10 सीरीज थी उसके अंदर आपको इंजीनियर निटेड मैच देखने को मिल जाता था, जिसे इन्हें चेंज करके इंजीनियर अपर मैच कर दिया है पूरी तरह से, जो कि काफी अच्छा ब्रीदेबल रनिंग शूज है और साथ ही साथ आपको काफी अच्छा कंफर्ट देता है। जब भी आप इसे पहन के रनिंग करेंगे तो आपको काफी अच्छी वेंटिलेशन मिलने वाली है, काफी अच्छा स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट भी देता है आपके फोर फुट को। इसका जो अपर मैच है वो आपके फुट में पूरी तरह से नेचुरल शेप में एडजस्ट हो जाता है, जिससे स्ट्रेच में काफी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो इसका कंफर्ट है वो आपको पूरे ओवरऑल फुट में अच्छा खासा फील होगा, जिसकी वजह से जो रनिंग शूज़ है जिसका अपर है काफ़ी खास बन जाता है और ये रनिंग शूज़ की जो कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। वहीं अगर इसके इंसोल की बात करते हैं तो इसके इंसोल में आपको 3D स्पेस कंस्ट्रक्शन इंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मोर कम्फर्ट देता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल फोम इंसोल होते हैं। साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको माइक्रो शॉक्स में काफ़ी हेल्प करेगा जब भी आप इसे पहन के रोड पे रनिंग करते हैं, और साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा आर्क सपोर्ट भी देता है। अगर आपके यहाँ पे फ्लैट फीट है या आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको अच्छा खासा आर्क सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका इंसोल काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है और माइक्रो शॉक्स में काफ़ी हेल्प करता है। वही दोस्तों बात करते हैं एसिक्स GT 2011 सीरीज के मिडसोल की, तो अगर हम इसके मिडसोल की बात करते हैं तो इसमें आपको FF ब्लास्ट मिडसोल देखने को मिल जाता है, जिसे फ्लाइट फोम ब्लास्ट मिडसोल भी कहा जाता है, जो कि एसिक्स की अपनी यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो इसका मिडसोल होता है वो थिक होता है बट लाइटर होता है, साथ ही साथ ड्यूरेबल होता है और रेस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छी होती है इसके फोम की। और ये जो टेक्नोलॉजी है एसिक्स अपने ज्यादातर प्रीमियम रनिंग शूज में यूज करता है। अर्लियर जो एसिक्स GT 2010 सीरीज थी उसके अंदर आपको जो हील ड्रॉप देखने को मिलता था वो 14 mm था, बट अभी इसको इंक्रीज कर दिया 1 mm, जिसकी वजह से जो एसिक्स GT 2011 सीरीज है उसमें रेस्पॉन्स ज्यादा बढ़ जाता है और सॉफ्ट लैंडिंग काफी अच्छी होती है। जब भी आप इसे पहन के किसी भी हार्ड सरफेस पर रनिंग करेंगे तो आपको काफी अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस मिलने वाली है, सॉफ्ट लैंडिंग आपको काफी अच्छी मिलेगी, और जो इसका मिडसोल है ना काफी ड्यूरेबल है और लाइट वेट है, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। और एसिक्स काफी अच्छा काम करता है अपने मिडसोल्स पे, खासकर जब उसके प्रीमियम रनिंग शूज होते हैं उनमें मिडसोल काफी अच्छा बनाने की कोशिश करता है, और इसमें वही पूरी तरह से काम किया गया है एसिक्स के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें क्या खास है, तो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए इसमें लिटरेस
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। बिटवीन मिडसोल एंड आउटसोल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको मीडियल सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि स्टेबिलिटी देता है इस रनिंग शूज़ को काफ़ी अच्छी, और जिसकी वजह से अगर आपको ओवर पोनेशन की दिक्कत होती है, फ्लैट फीट की दिक्कत है, तो आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी देता है रनिंग शूज़, और आपका जो फुट है उसको इन्वर्ट रोलिंग से बचाता है। मतलब ओवर पोनेशन में रनिंग शूज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको यहाँ पे ओवर पोनेशन की दिक्कत होती है तो स्टेबिलिटी के लिए रनिंग शूज़ आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो सकता है। फ्लैट फीट की दिक्कत है उसके लिए परफेक्ट हो सकता है, नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। बेसिकली ये रनिंग शूज़ आपको काफ़ी स्मूदर स्ट्राइड देता है जब भी आप इसे पहन के रोड पर रनिंग करते हैं। अगर इसकी कुशनिंग की बात करते हैं तो इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि FF ब्लास्ट मिडसोल इसमें यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इसका जो हील ड्रॉप है 1 मिलीमीटर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसको रेस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसमें रियर फुट एंड फोर फुट में आपको जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से परफेक्ट रनिंग शूज़ हो जाता है कुशनिंग के मामले में, इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। चाहे आपका फोर फुट पहले स्ट्राइक करता हो या मिड फुट पहले स्ट्राइक करता हो या रियर फुट स्ट्राइक करता हो, ये पूरी तरह से इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है और आपको काफ़ी अच्छा शॉक एब्जॉर्प्शन देता है। आपको ग्रेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी इस रनिंग शूज़ में देखने को मिल जाती है, जो कि आपको अलाउ करती है स्मूथ ट्रांजिशन जब भी आप रनिंग करते हैं, और आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोड पे एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है जब भी आप इसे पहन के रनिंग करेंगे। खासकर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है, जो कि आपके लेग्स को काफ़ी अच्छा कंफर्ट देगा। वहीं अगर बात करें इसके ओवरऑल कंफर्ट की, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो इसका अपर मैश है, इंजीनियर अपर मैश है, जो काफ़ी अच्छा है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया जो इसे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। साथ ही साथ इसके इंसोल में 3D कंस्ट्रक्शन फोम देखने को मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है। रियर एंड फोर फुट में आपको जेल देखने को मिल जाता है जो कि आपको कुशनिंग में हेल्प करता है। हील ड्रॉप इसका बढ़ाया गया है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस मिलती है। टो बॉक्स में आपको इनफ रूम देखने को मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल रनिंग शूज़ है। अगर आप यहाँ पे कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो ये रनिंग शूज़ आपके लिए काफ़ी परफेक्ट चॉइस हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करना चाहते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से अबव, तो भी ये परफेक्ट हो सकता है। वॉकिंग करना चाहते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो भी ये परफेक्ट रनिंग शूज़ हो सकता है। अगर आपको फ्लैट फीट है, आपको यहाँ पे ओवर पोनेशन की दिक्कत है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेग्स में पेन रहता है, तो आपके लिए परफेक्ट रनिंग शूज हो सकता है। वहीं अगर वेट की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये काफी लाइट वेट रनिंग शूज है जो आपको हेल्प करता है लॉन्गर रन में, और मैं अगर इसके वेट की बात करूं तो अराउंड 287 ग्राम इसका वेट है जो कि काफी लाइट वेट है। बेसिकली जो A6 GT 2000 की 11 सीरीज है उसमें आपको FF ब्लास्ट मिडसोल देखने को मिलता है जो कि काफी लाइट वेट है, साथ ही साथ A6 लाइट रबर आउटसोल आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंप्रेसिव लाइट वेट रनिंग शूज़ बन जाता है और आपको रनिंग में काफ़ी हेल्प करता है, आपकी पेस को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। बेसिकली अगर आप यहाँ पे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या अबव 10 किलोमीटर रनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट रनिंग शूज़ हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर इसके आउटसोल की बात करते हैं तो इसमें आपको A6 लाइट रबर आउटसोल देखने को मिल जाता है 4 फुट में, जो कि इसे लाइट वेट एंड ड्यूरेबल बनाता है, जो आपको काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस देने में हेल्प करता है जब भी आप रनिंग करते हैं और आपके पेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं इसके हील के अराउंड आपको आहार प्लस रबर आउटसोल देखने को मिल जाता है जो कि इसे काफ़ी ड्यूरेबल बनाता है और एब्रेशन रेजिस्टेंस बनाता है 3 टाइम मोर एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रबर आउटसोल रनिंग शूज़ होते हैं, उनसे आपको 3 टाइम इसमें ज़्यादा एब्रेशन रेजिस्टेंस मिलता है जो कि इसे काफ़ी ड्यूरेबल आउटसोल बना देता है। और आप जब भी यहाँ पे रनिंग करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि जो इसका ग्रिप एंड ट्रैक्शन है काफ़ी अच्छा है। इसके ग्रिप एंड ट्रैक्शन की बात करें तो आप किसी भी सर्फेस पर रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन इसमें मिलने वाला है। A6 GT 2000 की जो 11 सीरीज़ है उसमें जो मिडसोल एंड आउटसोल का जो डिज़ाइन है, जो ज्योमेट्री है, वो इसको ट्रेम्पोलाइन इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जब भी आप रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होती है राइड करते वक्त, रनिंग करते वक्त, और आपको ये रनिंग शूज़ प्रोपल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे आपकी जो पेस है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। वही दोस्तों बात करें अगर A6 GT 2011 सीरीज के लुक वाइज, तो लुक वाइज ये डिसेंट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे कैजुअल वियर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो रनिंग शूज़ है काफ़ी प्रीमियम रनिंग शूज़ है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं 10 किलोमीटर या उससे अबव रनिंग के लिए तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं प्राइस टू वैल्यू की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्राइस टू वैल्यू रनिंग शूज है, तो मेरे हिसाब से 100% प्राइस टू वैल्यू है, एक इन्वेस्टमेंट पिक है। अगर आप यहाँ पर अपने फीट को, अपने नी को,
अपने लेग्स को यहाँ पे लॉन्ग रन में प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते कि आगे चल के आपको दिक्कतें हो, आपके लेग्स के जो नीज हैं उसमें प्रॉब्लम हो आगे चल के, तो आपके लिए परफेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिक हो सकती है। 100% आपको ये वैल्यू देता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से जो ASICS GT10 था उससे अच्छा ये रनिंग शूज़ है और आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रनिंग एक्सपीरियंस देता है। अगर मैं कहूँ तो एक बेस्ट सेलर है ASICS का, जो कि इसे बेस्ट सेलर ज़रूर बनाता है इसकी क्वालिटीज़ की वजह से, परफॉर्मेंस वाइज, और साथ ही साथ आपको जो कम्फर्ट देता है वो पूरी तरह से जस्टिफाई करता है इस प्राइस रेंज के अंदर। मुझे पता है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा रनिंग शूज़ की क्वालिटी कैसी है, कौन सा रनिंग शूज़ किस चीज़ के लिए बना है, तो ये आपके लिए परफेक्ट एक रनिंग शूज़ हो सकता है। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं भी कर पाते लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आगे चल के आप आसानी से ऐसे रनिंग शूज़ को आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पिक है। अगर आप इस रनिंग शूज़ को यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कवर किया एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पिक फॉर 2024 जो है ASICS का GT 2000। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलना। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।